जय माता दी, जय विष्णु भगवान। हिंदू धर्म के सभी तिथियों में एकादशी तिथि को सबसे शुभ तिथि का दर्जा प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि सृष्टि रचयिता भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना कर व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन पूजा पाठ कर व्रत रखता है, भगवान विष्णु उस पर विशेष कृपा बनाए रहते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष पर एकादशी तिथि पड़ती है, जिसके आधार पर साल में 12 महीने में 24 एकादशी तिथि होती है। अगर अधिक मास की दो एकादशी तिथियों का भी जोड़ा जाए तो साल भर में 26 एकादशी तिथि पड़ती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी को हरि का दिन या हरि के वार के नाम से भी पुकारा जाता है। साल 2021 में अप्रैल मास में कृष्ण पक्ष की 7 तारीख को बुधवार के दिन पाप मोचनी एकादशी की तिथि है। ऐसी मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना कर उपवास रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख सुविधा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व और पूजा मुहूर्त। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। एक साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी एकादशी तिथियों का अपना अलग अलग महत्व है, परंतु पाप मोचनी एकादशी को हिंदू धर्म में विशेष स्थान दिया जाता है। पाप मोचनी में दो शब्द शामिल है, पाप का अर्थ है अपराध और मोचनी का अर्थ है निरशंका, अर्थात पाप मोचन का अर्थ है पाप को निरक्ष यानी कि पाप को समाप्त करने वाली। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनको पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और अपने खुशहाल जीवन की कामना करनी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ यदि व्यक्ति पूजा पाठ कर व्रत रखता है तो उसके जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि। सभी तरह के पापों का अंत करने वाली पाप मोचनी एकादशी पर आइए जानते हैं कैसे करें पूजा और क्या है व्रत की विधि। प्रातःकाल उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें धूप दीप चंदन का तिलक लगाएं और फल अर्पित करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन गरीब और जरूरतमंदों को दान करें, संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। पाप मोचनी एकादशी की तिथि पर दिन भर फलाहार करें, रात को रात्रि जागरण करें और अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत को खोलें। पाप मोचनी एकादशी शुभ पूजा मुहूर्त। पाप मोचनी एकादशी 7 अप्रैल 2021 दिन बुधवार, प्राण मुहूर्त 8 अप्रैल 2021 1:39:14 से 4:10:59 तक, कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट। एकादशी समाप्त 8 अप्रैल 2021 सुबह 8:42। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा आरंभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, मेघावी नाम के एक ऋषि जो भगवान शिव के परम भक्त थे, त्रिरथ वन में कड़ी साधना कर रहे थे। तभी उस वन में भगवान इंद्र अप्सराओं के साथ घूमने पहुंचे। वहां मेघावी ऋषि को तपस्या करते थे। इंद्रदेव के मन में यह ख्याल आया कि यदि मेघावी ऋषि की साधना ऐसे ही जारी रही तो निश्चय ही उन्हें स्वर्ग लोक में कोई उच्च स्थान प्राप्त हो सकता है, इसलिए मेघावी ऋषि की साधना को भंग करना ही पड़ेगा। परंतु भगवान इंद्र अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद मंजू घोष नाम की एक अप्सरा से मेघावी ऋषि की साधना भंग करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके भी सभी प्रयास विफल रहे। लेकिन अप्सरा मंजू घोष ने हार नहीं माना और मेघावी के आश्रम से थोड़ी दूर पर रहने लगी। वहां से वह मधुर स्वर में गाना गाती थी। उसकी मधुर वाणी से कामदेव बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने प्रेम के तीर का निशाना लगाकर ऋषि मेघावी का ध्यान
मंजू घोष की तरफ आकर्षित कर दिया, जिसके बाद ऋषि अपनी साधना भंग कर अप्सरा मधु घोष के प्यार में पड़ गए। अप्सरा मधु घोष के प्यार में पड़कर मेघावी पूरी तरह खुद को समर्पित कर बैठे और अपनी आत्मा की पवित्रता भी खो बैठे। लेकिन एक समय के बाद अप्सरा मधु घोष मेघावी ऋषि के रुचि खोने लगी और उन्होंने ऋषि से खुद को मुक्त करने के लिए बोला। तब अप्सरा मधु घोष ने खुद को छुड़वाने की अनुमति देने की बात कही। तब मेघावी ऋषि को इस बात का एहसास हुआ कि उनको गुमराह किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपनी कठिन साधना और तपस्या से विचलित हुए। क्रोध में आकर मेघावी ने मंजू घोष को अप्सरा से एक चुड़ैल के रूप में बदलने का श्राप दे दिया। इसके बाद मेघावी अपने पिता ऋषि चवस के आश्रम में पहुंचे और उन्हें पूरी व्यथा सुनाई। ऋषि चवस ने मेघावी खुद के पापों को मिटाने के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। मेघावी के साथ साथ मंजू घोष ने भी खुद के द्वारा किए गए छल और धोखे का पछतावा कर पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की, जिसके फलस्वरूप दोनों अपने अपने पापों से मुक्त हो गए। इति कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा।